हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेल्थ। तो जैसे कि आज ये जो आसमानी कलर का 10 टैबलेट का स्ट्रिप देख रहे हैं, जिसमें पामाजिन पी टैबलेट है, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आपको पामाजिन पी के टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके MRP के बारे में। तो ये 22 रुपया के आसपास में 10 टैबलेट का स्ट्रिप आ जाती है, और इसका मैन्युफैक्चर डेट के बारे में बात करते हैं, सितंबर 2018 है, सॉरी सितंबर 2017, और एक्सपायरी डेट अगस्त 2019 है। तो इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो ये डाइक्लोफेनक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट, ये आप देख सकते हैं जैसे कि इच अनकोटेड टैबलेट कंटेंट दिया गया है। डाइक्लोफेनक सोडियम 50 mg और पैरासीटामोल 325 mg। तो इसके बारे में आपको यूज इसके कहाँ कहाँ की जाते हैं और कहाँ नहीं की जाते हैं, यूज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। तो आप इसका इस्तेमाल, जैसे आपको अगर घुटनों में दर्द है, पैर में दर्द है, और हाथ या और दांत में दर्द है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसका इस्तेमाल अगर आपको बुखार है, हरासमेंट वाली बुखार या कोई बुखार अगर आपको हो, यानी आपको ज़्यादा चलने से पैर में दर्द हो, बुखार होते, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पामाजिन पी टैबलेट का। और ये आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक लोगो दी, वायरिंग दी गई है, जैसे ये नोट फॉर, यानी शेड्यूल एच ड्रग है। इसका इस्तेमाल आप डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टैबलेट है, अगर आपको यानी घुटने या पैर में दर्द हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल बुखार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसे कुछ साइड इफेक्ट, जैसे आपको वोमिटिंग, इचिंग, ये सब हो सकता है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है। अगर आपको किसी भी लक्षण दिखे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।